विजय जी, क्या बोलना चाहेंगे? आज फिर से हम आपके पास आए हैं, कितने मेट्रोरें पूरे शहर में चलती हैं और कितने मुलाजिम हैं, उस सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो डिमांड्स हैं सरकार से, हम पिछले आज चौथा दिन है, हमारी डिमांड कोई नहीं है, लेकिन जो सरकार की तरफ से एक जो ट्वीट किया था गवर्नर साहब ने, एक डायरेक्शन आई है कि आप 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ियां चलाइए। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से और जुटी सरकार से, ट्रांसपोर्टरों की तरफ से अपील करेंगे हम कि ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन है? आप बताइए, अगर 20 सवारियां बड़ी बस में बैठेंगी, 10 सवारियां मेटाडोर में बैठेंगी, तो हमारी मजबूरी बन गई है। ये हमारी कोई स्ट्राइक नहीं है, ये हमने कोई चक्का जाम की कॉल नहीं दी है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम गाड़ियां ही नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि 10 सवारियां लेके हमारा डीजल ही नहीं बने पूरा होगा। तो ड्राइवर को पे देनी है, कंडक्टर पे लेगा हमसे, प्लस हमारी गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट्स जो रिन्यू हुए हैं, वो खड़ी गाड़ी पे टैक्स लग रहे हैं। तो हमारी अपील यही है सरकार से, आप इसमें, मैं गवर्नर साहब से अपील करूँगा, आप इंटरवीन्स करिए इस मसले में, ताकि हम आम, आपने देखा होगा जो जनता रोडों पे दर बदर हो रही है, लेकिन हमारी मजबूरी है, आप कॉल मत समझिए इसको, चक्का जाम मत समझिए, लेकिन हम अगर गाड़ी लेके निकलेंगे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि एक साल कोरोना के रहते हुए हमारी हालत खस्ता हो चुकी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जेब से ऑयल डालकर गाड़ी चलाएं। काफ़ी परिवार आप लोगों के साथ भी जुड़े हैं, ड्राइवर कंडक्टर हैं, आप लोग भी हैं, आपके भी परिवार हैं, तो एक साल पूरा हो चुका है, इसको दोबारा से ये चीज़ें दोबारा बाहर आने शुरू हो गई हैं कोविड को लेकर हुए, तो किस तरीके से घरवार चल रहा है उन लोगों का? और आप सर, जैसा आप जानते हैं कि एक साल हुआ है पूरा जब से कोविड शुरू हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा टोटली ठप है, और ट्रांसपोर्टर की, ड्राइवर कंडक्टर की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है। तो हमने गवर्नमेंट से काफ़ी दफ़ा अप्रोच की कि कम से कम, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया हमारे ड्राइवर कंडक्टर को दिया था, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ ड्राइवर की मदद करे, कुछ मालक की मदद करे, हमें पैसेंजर टैक्स भी वाफ़ करे, टोकन टैक्स भी वाफ़ करे, इंश्योरेंस जो हमारी 70-80 हज़ार रुपया साल की आती है वो तकरीबन खड़ी खड़ी गाड़ियों की ख़त्म हो गई। तो हमने गवर्नमेंट को काफ़ी दफ़ा अप्रोच किया, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें आज तक उसके बारे में कुछ नहीं किया। और अब जो सेकेंड फेज शुरू हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दिया कि आप 50% सवारियाँ लेकर गाड़ियाँ चलाओ, जबकि 50% लेके हम चलते हैं तो हमें डीजल भी जेब से पड़ेगा। तो जैसा विजय जी ने कहा कि हमने स्ट्राइक नहीं की है, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी खड़ी हो गई कि वो गाड़ी हम चलाएंगे तो हमें कम से कम 1,000 या 1,500 रुपया पॉकेट से रोज़ का डालना पड़ेगा, तो वो कौन डालेगा? हमारे भी बच्चे हैं, हम रोटी खिलाएंगे बच्चों को या गाड़ियों में तेल डालेंगे? तो इसलिए हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से दोबारा रिक्वेस्ट है, 4 दिन हो गए हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने पहले SOP निकाली थी उसके तहत हमें कहा था कि 67% पैसेंजर आप ले सकते हो, और उसके लिए उन्होंने कंपनसेट करने के लिए 30% हमें हाइक दी थी पैसेंजर फेयर में, और खैर उन्होंने बाद में वो विड्रा कर ली। अब जबकि उन्होंने हमें 50% अलाउ की है, हम कहते हैं कि 50% जो हमारा किराया बनता है वो हमें दीजिए, ताकि वो जो लॉस है वो कंपनसेट हो सके। तो हम गवर्नमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टरों को कुछ राहत मिले और ड्राइवर कंडक्टर भी अपनी रोजी रोटी चला सके। सर, खड़ी गाड़ियों का भी काफ़ी खर्चा रहता है, आप लोगों की इंस्टॉलमेंट भी रहती है, उसको किस तरीके से फिर आप करते हैं सर? देखिए सर, आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साल आपको पता है कोविड में आगे ऑलरेडी गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ ऐसे हालात हमारे बन चुके थे कि हमने जो सेविंग थी घर के जेवरात वगैरह वो गिरवी रख के हमने थोड़ी गाड़ियाँ रोड पर लाई, और वहाँ से हमने हायर गाड़ियों के बैंक केसेस हैं, इंस्टॉलमेंट देना मुश्किल है, वहाँ से बैंक भी हमें तंग कर रहा है और प्राइवेट फाइनेंसर भी। अगर हमारी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, हमारे ड्राइवर कंडक्टर घर में रह जाएंगे, ये अपने बाल बच्चे कैसे बोल, तब सीधा सरकार को क्या बोलना चाहिए? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे जितनी जल्दी हो इतना हमारा हल निकाल लें।